जजिए जा जजिए जजिए जा आरसीएम के संग जिए जजिए जा। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में। ज्ञान की जो ये गंगा है लगातार चल रही है, मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और आप भी निश्चित रूप से जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसे आप सीख रहे होंगे। और ये सब कुछ पता चलता है आपके कमेंट से, आप जो भी फीडबैक देते हैं मुझे उससे पता चलता है। और दोस्तों मजे की बात है कि हर वीडियो एक दिन में अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 20,000 लोग देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी विषय है कि लोग सीखने के लिए तैयार है। कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आपको कुल्हाड़ी से पैर काटना है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेड़ काटने की जो क्षमता है प्रभावित किससे होती है, पेड़ जल्दी कब कटता है। पेड़ जल्दी तब कटता है जब आप कुल्हाड़ी की धार को लगातार तेज करें और रेगुलर वे में कुल्हाड़ी की धार को तेज करते रहें। कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब सीखना ही है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हर महीने बिजनेस जीरो क्यों हो जाता है। बहुत अच्छे कमेंट आए दोस्तों और बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन कुछ लोग पूरा समझ नहीं पाते तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद नए वीडियो के बारे में बात करता हूं। मैंने वैसे पूरा सिंपल सा आपको पूरा बताया था कि अगर आपका बिजनेस कम नहीं होता है तो नीचे वालों को भी कम नहीं होता, डिफरेंस कमीशन उतना ही रहने वाला है। फिर मैंने बताया कि अगर आपको 100 रुपए ही बांटने हैं, जब बांटने ही 100 रुपए हैं तो अगर किसी भी एक वर्ग को आप ज्यादा पैसे दे देंगे तो वो 100 में से ही कम होना है। यानी किसी को ज्यादा देने का मतलब किसी को कम करना है। तो हम क्या होता है, जिस स्टेज पर होते हैं केवल उसी स्टेज के बारे में सोचते हैं और बिजनेस के बारे में नहीं सोचते। थोड़े देर के लिए सोचिए कि उस स्टेज पर अगले दिन आपको भी जाना है और जब आपका पैसा कम आएगा तो आप उस स्टेज पर जाकर दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपकी दूसरी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे समझाता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए मान लें कि आपकी 3 लेग हैं और तीनों लेगों में 1-1 लाख का बिजनेस है, यानी टोटल 3 लाख का बिजनेस है। अब मजे की बात है कि अगर दो तीनों लेगों में 1-1 लाख का बिजनेस है और वो तीनों लेग किसी एक समय पर 3,50,000 यानी 32% पर रह चुकी है, यानी तीनों लेगों ने पहले बिजनेस ज्यादा किया था लेकिन अब तीनों लेगों का बिजनेस कम है। अब थोड़ा सोचिए कि नीचे अगर कम नहीं हो रहा है तो नीचे वाले लोग 3,50,000 पे ऑलरेडी 32% पर है और जब वो 32% पर ही है तो आप ऊपर हैं तीनों पर, आपका 1-1 लाख का बिजनेस है तो आपका यहां पर कमीशन 0 आएगा। जी हाँ दोस्तों, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि 32% पर तो नीचे वाले ही हैं। तो आपका बिजनेस 3 लाख होते हुए भी, 3 लेग होते हुए भी 0 आएगा। दोस्तों मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, ये तमाम जो तरीके बताए जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्लान में, ये अलग अलग तरह से घुमाकर बताए जाते हैं ताकि आम डिस्ट्रीब्यूटर गुमराह हो जाए, आम डिस्ट्रीब्यूटर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और उसी इमोशन का रिजल्ट होता है कि वो लोग जो हमारे अनभिज्ञ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनको ज्यादा पता नहीं है, उनको वो गुमराह करते हैं और उसका नतीजा होता है कि वो अपने लाइफ और अपने करियर को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों मेरा फिर निवेदन है कि जो बंदरबाट वाली कंपनियां हैं उनसे बचकर रहें। डायरेक्ट सेलिंग एक वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक बिजनेस है, उसके आधार पर हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि लोग, कई लोग है ना, अपनी कंपनी को स्विच ओवर क्यों कर लेते हैं, कंपनी छोड़कर क्यों चले जाते हैं, आपका बिजनेस या किसी और कंपनी का बिजनेस क्यों छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों ये बहुत लाजवाब टॉपिक है, आप अंत तक इसे सुनिए और इस टॉपिक को सुनने के बाद आप कमेंट कीजिए, जो चीज समझ में नहीं आए वो आप मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर वो अप्रोप्रिएट लगा तो अगले वीडियो में मैं उसके बारे में फिर आपसे बात करूंगा और ये सिलसिला हमारा लगातार जारी रहेगा। लेकिन प्रश्न पूछने का एक नियम है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। रूल नंबर 1, पहला जो रूल है, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो रूल नंबर 1 है, मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लेना। जी हां, मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लेना। प्रश्न चाहे कितने भी मूर्खतापूर्ण ही क्यों ना हो, आप उसे पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्योंकि काम गलत करने से अच्छा है गलत प्रश्न पूछ लेना। अगर आप प्रश्न पूछ लेंगे तो कम से कम आपका काम कभी भी गलत नहीं हो सकता, तो पूछने का क्रम जारी रखिए। लेकिन रूल नंबर 2, प्रश्न पूछना बिना विवेक का इस्तेमाल किए हुए, उसे समय की बर्बादी कहते हैं। अगर आपने विवेक का प्रश्न नहीं पूछा, मैंने एक जवाब दिया और आपने तुरंत एक प्रश्न वापस दाग दिया, तो यहां पर अनभिज्ञता उसे कहते हैं, यहां पर इंटेलिजेंसी नहीं कहते। जब कोई जवाब मिलता है तो
तब तक आपको प्रश्न नहीं पूछना जब तक आपके विवेक से उस प्रश्न का उत्तर आप ना ढूंढ लें। पहले आप थोड़ा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने ये जवाब दिया है तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं और क्या क्या तोड़ हो सकते हैं। अगर ये सारी चीजों का जवाब आप ढंग से सुनेंगे तो हो सकता है आपका प्रश्न ही तैयार ना हो। दोस्तों मैक्सिमम मैंने देखा है कि जब मैं इनबॉक्स को खोल के देखता हूं तो लोग बाग वही के वही प्रश्न बार बार करते रहते हैं। और दोस्तों उन सारे प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी वीडियो में है। और मजे की बात है, जब मैंने 100 सवालों का एक जवाब डाला तो लोगों को आधी बात समझ में नहीं आई क्योंकि उन्होंने बिना समझे ही प्रश्न पूछ डाला। और फिर मैंने दूसरे वीडियो में कहा तो उन्हीं लोगों ने कहा कि सर डेनी अब पूरी बात समझ में आ गई। तो मेरा निवेदन है कि प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा सा दिमाग खोलिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर मैंने ऐसा कहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और पहले उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए पूछने से पहले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज का विषय है कि लोग स्विच क्यों करते हैं, कंपनियां इधर उधर क्यों बदलते हैं, या पर्टिकुलर किसी कंपनी के लोग छोड़कर क्यों जाते हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी का आदमी अगर किसी भी बिजनेस को छोड़ता है तो उसके कई तरह के कारण होते हैं, उन कारणों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पहला कारण होता है वो होता है लोभ। जी हाँ, किसी चीज में लोभ की भावना अगर आ जाती है, कोई आदमी ज्यादा लोभी किस्म का प्राणी होता है तो दोस्तों वो कभी भी किसी का सगा नहीं होता। न वो ट्रेडिशनल कस्टमर में किसी का सगा होता है और न ही वो अपने पारिवारिक चरित्र में सगा होता है किसी का, और भाई भाई से लड़ जाता है लोभ की वजह से। इसलिए लोभ जो है वो सबसे बड़ी बला है। दोस्तों 90% लोग अगर छोड़ने वाले के रेशियो को हम निकालें तो उसका पहला रीजन होता है लोभ। कोई भी व्यक्ति किसी भी लोभ देता है और वो लोभ की वजह से चला जाता है। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है ध्यान देने वाली, कि जो आदमी आपको लोभ दे रहा है उसके पीछे के लोभ को आप जानिए, क्योंकि वो लोभ आपको तभी दे रहा है जब उसको कोई लोभ है, उसको कोई आने वाले समय में प्रॉफिट है तो ही वो आपको लोभ देगा। तो जब भी आपको कोई लोभ दे तो पहले उसके पीछे के प्रॉफिट को जानिए कि ये मुझे लोभ क्यों दे रहा है, इसके पीछे इसका क्या प्रॉफिट है। अगर आप इसको एनालिसिस कर पाए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तमाम दुनिया की कंपनियों के लोग जाते हैं, लीडर जाते हैं, जो छोड़कर चले जाते हैं, तो दोस्तों उसके पीछे कारण ये होता है कि उनके अंदर लोभ की भावना भरी रहती है। और मेरे भाई अगर कोई लोभी आदमी आपकी कंपनी में आ भी जाता है तो थोड़ा सोचिए आप ये कैसे मानेंगे कि अगर वो लोभ की वजह से आया, कहीं दूसरा लोभी आदमी उसे मिल गया, तो कोई दूसरे लोभ का प्लान उसे मिल गया तो वो आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगा। अरे दोस्तों वो आपकी कंपनी को भी फिर छोड़ देगा। इसलिए तमाम उन बंदरबाड़ लीडरों से सावधान रहें। दोस्तों मैं कई लीडरों को जानता हूं, मैंने प्रण किया है, मैंने कसम खाई है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अपनी बात में कभी किसी लीडर का नाम नहीं लूंगा और कभी किसी कंपनी की बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे कई लीडर हैं जो अब तक अपने करियर में हिंदुस्तान में वो जाने माने लीडर हैं, लोग उन्हें जानते हैं, फॉलो करते हैं, लोगों के वो आदर्श हैं, अच्छी बातें करते हैं, स्टेज पर जब जाते हैं तो ज्ञान की गंगा उनसे बहती है। और दोस्तों ये सारे गुणों के बाद भी अवगुण हैं उनके अंदर लोभ, और उस लोभ की वजह से वो इधर उधर भागते हैं। ऐसे कई लीडर हैं जो मेरे इस करियर में 20 साल के करियर में मैंने उनको देख लिया कि 5-5, 6-6 कंपनियां उन्होंने चेंज कर ली है। दोस्तों अगर ऐसे लोभी लीडर की टीम में आप हैं तो आप अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो छोड़कर आया है वो छोड़कर फिर जाएगा भी। ऐसे कई लीडर हैं जो सिर्फ पैसों को तवज्जो देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को पैसों के लिए कभी भी नहीं किया जाता। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, पैसा इसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है। दुनिया में कोई भी बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन जब आप 5 साल किसी एक कंपनी में लगा देते हैं तो फिर उसके बाद छोड़कर जाने से ये दो ही चीजें साबित होती है। पहला, आपने पहली वाली कंपनी को ढंग से सेलेक्ट नहीं किया था, यानी आप मूर्ख हैं। दूसरा, अगर आपने गलती की तो आप कहीं ना कहीं लोभी हैं। जब आपको जो सोच होती है उसके अनुसार आपको इनकम नहीं आ रही होती है तो आप अपनी सिक्योरिटी को, अपना जो फील्ड वर्क है उसको छोड़कर आप लोभ की वजह दूसरी कंपनियों में स्विच कर जाते हैं। और आप जब ये स्विच करते हैं तो आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे फायदा नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आपने कितने लोगों को सपना दिखाया है, उन सपना दिखाने वाले लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया है। और दोस्तों विश्वासघात जो है दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विश्वासघात करने का मतलब किसी ने किसी की हत्या करने के बराबर ही है दोस्तों। तो पहला वर्ड है लोभ। लोभ की वजह से तो कोई ये बिजनेस नहीं छोड़ रहा। तो कोई भी आदमी अगर कोई बिजनेस को स्विच करता है तो पहला रीजन होता है लोभ।
और दूसरा रीजन होता है ईगो प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम दुनिया की ऐसी प्रॉब्लम है जिसने महाभारत जैसी बड़े बड़े जंग के मैदान खड़े कर दिए, और सिर्फ ईगो प्रॉब्लम थी, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसको इसने मुझे ऐसा कर दिया, मैं इसके साथ ऐसा कह दूंगा। अरे भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन इसको सूखी रोटी भी नहीं खाने दूंगा। अरे भाई, इसमें क्या समझदारी है? इस ईगो प्रॉब्लम को त्यागिए। इस ईगो की वजह से कई लोग बड़ी बड़ी नॉलेज होते हुए भी, बड़ा ज्ञान होते हुए भी वो बड़ा काम नहीं कर पाते, क्योंकि हर व्यक्ति को वो सोचते हैं कि यार मैं इसके नीचे काम करूंगा, मैं इसके नीचे काम करूंगा, और उसके नतीजा होता है कि अपने अंदर टैलेंट होते हुए भी उस टैलेंट का आउटपुट अपने जीवन में नहीं ले पाता। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी के छोड़ने का, कि वो उस बिजनेस में अपने फ्यूचर को नहीं देखता, अपने फ्यूचर को नहीं देखता, उसके पास तरीका नहीं होता है कि वो अपने फ्यूचर को समझ पाए, और नई चीज की वो तलाश करना जारी रखता है, और उसका नतीजा होता है कि यहां पर भी यही बात अटकती है कि अगर वो अपने एडजस्टिंग बिजनेस में अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो दूरदर्शी नहीं है, विजनरी नहीं है, और उस विजनरी नहीं होने की वजह से उसको प्रॉब्लम आएगी। तीसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है किसी छोड़ने के पीछे, किसी आदमी के बिजनेस छोड़ने के पीछे, चौथा जो प्रॉब्लम है वो है काम करने की आदत ना होना और बिना काम करे कुछ पाने की तमन्ना रखना। काम करने की आदत ना होना, बिना कुछ काम किए पाने की तमन्ना रखना। और दोस्तों, पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर ये कह दिया जाए कि आपको काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ पैसे लगा दो अमीर बन जाओगे, तो ऐसे लोगों की संख्या पहले भी करोड़ों में थी, आज भी पूरी दुनिया में करोड़ों में है। और इसलिए हर बार इतना धोखा खाने के बाद भी नई नई कंपनियां आती है, इन्वेस्टमेंट कराती है, और कई कब वो भाग जाती है मैं पता नहीं, लेकिन हमारे अंदर थोड़ा लोभ होता है कि भाई हम पहले जुड़ जाते हैं, ज्यादा कमा लेंगे, बाद में कुछ भी हो पता नहीं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कहीं अंतिम आदमी तो आप ही नहीं है। तो चौथा जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने बताया, और पांचवा है सीखने की कमी होना। सीखने की प्रेरणा जब उन्हें नहीं मिलती तो आदमी सीखे बगैर काम करने की प्रयास करता है, बिना सीखे ज्यादा आउटपुट लाने की कोशिश करता है। उसका नतीजा होता है कि वो उसी लकड़हारे की तरह होता है जो कुल्हाड़ी पर कभी धारी नहीं करता, और वो तेज गति से पेड़ काटना चाहता है और वो फंस जाता है। छठे नंबर का पॉइंट है वो माहौल का नहीं मिलना और किसी सशक्त लीडर के साथ नहीं रहना। जब माहौल नहीं मिलता, एक ऐसी जगह पर वो ज्वाइन कर लेता है जहां पर सेमिनार फंक्शन का आयोजन नहीं हो रहा, या उसकी टीम में लीडर ऐसा होता है जो लगातार उसे मोटिवेट नहीं करता। जब वो आदमी मोटिवेट नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, भारत पाकिस्तान की सीमा पर दोनों तरफ सेनाएं हैं। आपको आश्चर्य होगा, पाकिस्तान के पास हथियार है तो हिंदुस्तान के हथियार है, उनके पास ट्रेनिंग है, हमारे पास ट्रेनिंग है, उनके पास सारे इक्विपमेंट है, हमारे पास भी सारे इक्विपमेंट है, तो फिर कौन सी चीज है जो ये डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा? दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन, जब हम किसी चीज को सुनकर कितने हम मोटिवेट होते हैं, जब सरहद पर गाना बजता है ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, तो इस बात को सुनने के बाद खून किसका ज्यादा खोलता है, उसी के आधार पर यह डिसीजन होता है कि कौन जीतेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है विजन का क्लियर ना होना और गहराई को ना समझना, जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली कि विजनरी पर्सन होना बहुत जरूरी है और गहराई समझना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग को पैसों के लिए नहीं किया जाता। दोस्तों, 90% लोग बंदरबाट जो लीडर हैं वो सिर्फ पैसे 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 काहे काहे करेंगे। दोस्तों, मुझे इस बिजनेस को करते हुए 20 साल हो गए, मुझे पता है कई बार पैसा कम आया होगा, कई बार ज्यादा आया होगा, और कई ऐसे लीडर हैं जो एक नई कंपनी में ज्वाइन किए और 3 साल में उन्होंने 10-20 लाख रुपए की इनकम ले ली। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई जवाब है आपके पास? मैंने 20 साल तक एक काम किया और 20 साल तक लगातार एक ही कंपनी से पैसा लिया, आज मेरा बड़ा एम्पायर है, आज मेरे पास होटल्स हैं, आज मेरे पास दूसरे कई तरह के बिजनेस हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी वो नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है सिर्फ आरसीएम। मैं आरसीएम के लिए पैदा हुआ हूं और आरसीएम के लिए मरने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 20 साल के बाद आज मैं अपने आप को इतना रिलैक्स महसूस करता हूं कि पूरे दिन में मुझे एक कॉल नहीं आता और मेरी इनकम लाखों रुपए में आती है। और दोस्तों,
वही बंदरबाट कंपनी वाले लोग हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, उनके लीडर इस तरह के लोभी किस्म के होते हैं, और जो आपको ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर उससे सिर्फ ये पूछे कि पहले वाली कंपनी तूने क्यों छोड़ी, तो वो आपको सारे ऐसे आंसर बताएगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका चरित्र क्या है और ये क्यों आया है, उसने किस तरह से ज्वाइनिंग ली थी वहां पर, कैसे उसने काम किया था और किस तरह से उसने गड़बड़ की थी और वो छोड़कर चला गया। दोस्तों ये तमाम तरह के लीडर होते हैं जिनका खुद का कोई चरित्र नहीं है और वो आपको आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहना है। एथिक्स का काम सबसे बड़ा होता है और लगातार होता है। अगला पॉइंट है ना सुनने की ताकत ना होना। वो लीडर कभी भी एक कंपनी में नहीं टिक पाता जिसको ना सुनने की ताकत नहीं है। अगर ना सुनने की ताकत आपके पास है तो निश्चित रूप से बहुत गति तेज गति से आपके पास आगे जाना है, क्योंकि आप सिर्फ इतना सा मान लीजिए इस बिजनेस में आप कामयाब कैसे होंगे, सिंपल आप ना सुनने की आदत डालिए। आप लोगों से 10 आदमी से मिलिए और आप सोच लीजिए ये ना करेंगे, लेकिन 10 से ना सुनने के लिए आपको 10 के पास जाना पड़ेगा और मजे की बात है उस ना में से ही हां निकलनी है, क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कि सामने वाला ना ही करेगा और जब सामने वाला ना करेगा तो हम जाते नहीं है क्योंकि रिजल्ट आपको पता है। लेकिन यही आपकी गलती है, आप चाहे पता है लेकिन आप ये मान लीजिए आपका लक्ष्य ही है ना सुनना और आप ना सुनने के लिए जाएंगे तो कम से कम उससे बात करेंगे और कभी कभी उस ना से ही हां निकलने वाली है, तभी आप लीडर बनने जा रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा मैंने आपसे बात की, अगले फिर कुछ समय बाद में फिर एक नया वीडियो लाऊंगा नए टॉपिक पर। आप लगातार कमेंट करते रहें वीडियो कैसे आपको लगा, आप लगातार मुझे बताते हैं कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, और भाई साहब मैंने जो कमेंट मंगाए आपसे कि अगला वीडियो किस पे चाहिए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि लगभग 20 टॉपिक मुझे ऐसे मिल गए हैं जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाने जा रहा हूं। गाइडलाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये तमाम कंपनियां जो बाइनरी रिफाइनरी जनरेशन मैं ज्यादा नहीं समझता, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार कौन से प्लान वैलिड है कौन से प्लान वैलिड नहीं है, गाइडलाइन के अनुसार किस तरह की कंपनियां काम कर सकती है, गाइडलाइन के अनुसार क्या आप लोगों को ज्वाइनिंग पर पैसा दे सकते हैं, गाइडलाइन के अनुसार आप किसी पर बाउंडेशन कर सकते हैं कि इतना माल लोगे तो ही कमीशन आएगा, ये तमाम तरह के प्रश्न का जवाब मैं लेकर आऊंगा। मैं उन वीडियो को भी लेकर आऊंगा जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं सीनियर सिटीजन होते हैं तो घर वाले उनको काम करने से मना करते हैं तो सीनियर सिटीजन अपना करियर कैसे बना सकते हैं, स्टूडेंट जो है उनको अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, निश्चित रूप से पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के रूप में डायरेक्ट सेलिंग कैसी एक अपॉर्चुनिटी है और दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। इस तरह के तमाम मुद्दे मेरे पास आ चुके हैं, मैं लगातार उस पर आपसे बात करूंगा। जो पिछले वीडियो में कमेंट आया है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लगातार कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। चैनल को सब्सक्राइब कराने के पीछे इतना सा मकसद है कि आपकी टीम घर पर भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करे, वो लगातार लगातार अपने ज्ञान का वर्धन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पिछला जो कमेंट है, जो बेस्ट कमेंट हमने चुना है जिसको हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार सर जी, आज आपने स्टोरी के माध्यम से दिमाग खोल के रख दिया कि वास्तव में दुनिया में किस किस तरह की कंपनियां चल रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूट कर चली जाती है। लेकिन आज आपने इस स्टोरी के माध्यम से वास्तविकता से बिजनेस का माध्यम बताया। मुझे स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग कैसी होती है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जीवन में बिल्कुल आप ही की तरह बनने वाला हूँ। धन्यवाद सर जी आपका। भागीरथ पालिया, राजसमंद, राजस्थान। इस समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम।